झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बेरोजगारों के लिए जल्द ही बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में ही इस योजना को अमल में लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा योजना प्राधिकृत समिति को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक स्नातक पास युवाओं को 5,000 और स्नातकोत्तर युवाओं को 7,000 रुपए हर साल बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजा है। समिति के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही राज्य में बेरोजगारों को भत्ते की शुरुआत कर दी जाएगी। योजना के तहत सोरेन सरकार प्रदेश के नियोजनालयों में पंजीकृत स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देगी। प्रस्ताव के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को 2 वर्षों तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा। नॉन मैट्रिक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए बेरोजगारों को शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है।